मॉर्निंग बच्चों, लेक्चर नंबर 11। दसवें लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो एल्काइल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप से मिलकर कैसे बनते हैं। मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी बेटा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड या तो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या डिराइव फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन्स या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स होते हैं। हमने क्या किया था, हमने एक हाइड्रोकार्बन को लिया था, उस हाइड्रोकार्बन से एक एच हटाया था और एक एच हटा के उसकी जगह कोई फंक्शनल ग्रुप लगाया था तो हमें मिला था डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन और उसे आपने नाम दिया था ऑर्गेनिक कंपाउंड। कुछ याद आया? फिर मैंने आपसे कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड से हम मिलेंगे अगली क्लास में, और आज मैं आपको मिलाता हूं कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड से, बस दो छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ। पॉइंट नंबर एक, सबसे पहला कहते हैं जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लैब, जिसे लैब में सिंथेसाइज्ड किया गया था एक्सीडेंटली, गलती से, वाज, वो था यूरिया। और इसको गलती से बनाया गया था किससे, फ्रॉम एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से जिसका नाम था अमोनियम, अमोनियम साइनेट, साइनाइड नहीं बेटा, साइनेट, उम्मीद है पहचानते होंगे। एट का मतलब ऐसा एनायन जिसमें गोल गोल टोमेटो जैसी ओ हो, और ये किसने दिया था भाई, फ्रेडरिक वोलर ने, तो इसे वोलर ने दिया था बेटा। तो कैसे बना था ये, व्हाट इज अमोनियम साइनेट? अमोनियम का मतलब होता है NH4 और साइनेट होता है CNO। इसमें एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन हुई थी जो फॉलो करती थी सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को और कन्वर्ट हो जाता था एक कंपाउंड में जिसे कहते हैं NH2CONH2। लुक हियर, क्या हुआ है, इस नाइट्रोजन से चार हाइड्रोजन जुड़े थे, इस चार में से दो हाइड्रोजन शिफ्ट हो गए हैं, यानी उनका क्या हो गया है, रीअरेंजमेंट, किस कार्बन पर, सॉरी किस नाइट्रोजन पर, इस वाले नाइट्रोजन पर। तो आपके पास यहां क्या बचा है, NH2, और इस नाइट्रोजन से दो हाइड्रोजन जुड़ गए तो ये भी बन गया NH2, और C और O आपस में ऐसे ही कंबाइंड है, तो ये कंपाउंड बना, इस कंपाउंड का नाम था यूरिया। यदि पूछा जाए द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन यूरिया, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो आपको नजर आ रहा होगा बेटा एक एमाइड ग्रुप इस साइड में और एक एमाइड ग्रुप इस साइड में, यानी ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, डाई एमाइड ग्रुप है, या इट इज एमाइड ग्रुप, इसे हम एमाइड भी कह सकते हैं। यानी यूरिया क्या होता है, एक एमाइड होता है, इसलिए इसको एक नाम दिया जाता था कार्बामाइड, इसी का नाम होता है कार्बामाइड। तो ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लेबोरेटरी में बनाया गया, पर ये इंटेंशनली नहीं बनाया गया, स्टडी इसकी हो रही थी, ये गलती से बन गया एक्सीडेंटली, यानी इंटेंशनली यूरिया को नहीं बनाया गया। क्योंकि आपने सुना होगा बर्जीलियस की जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो ये कहती थी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं या नेचुरली फॉर्म होते हैं, इन्हें आप सिंथेटिकली या केमिकली नहीं बना सकते। तो वोलर ने बर्जीलियस की उस थ्योरी को फेल किया था इस कंपाउंड को लेबोरेटरी में तैयार करके, भले ये गलती से अनइंटेंशनली तैयार हुआ हो लेकिन तैयार हुआ, और जब ये बन गया तो साइंटिस्ट ने दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने की कोशिश की। तो हम कहते हैं पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लैब वाज यूरिया, गलती से बना था यूरिया। लेकिन यदि वो पूछे कि इंटेंशनली फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लैब, इंटेंशनली किससे बनाया गया, फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, उसके एलिमेंट्स से, यानी किसी कंपाउंड से नहीं, एलिमेंट्स। तो ये था वाज, वाज एसिटिक एसिड, कौन था, एसिटिक एसिड, और इस एसिटिक एसिड को बनाया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था कोल्बे। जब भी ये साइंटिस्ट कोल्बे का नाम आएगा हमेशा याद रखिए हमारे पास कोई ना कोई एसिड या एसिडिक सब्सटेंस जरूर होगा, क्योंकि कोल्बे का नाम किससे एसोसिएट हुआ है, एसिड से। कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे श्मिट रिएक्शन, कोई भी कोल्बे का नाम जहां आ जाएगा, कोल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, जहां कोल्बे का नाम आएगा
वहां एसिड या एसिडिक सब्सटेंसेस मस्ट बी प्रेजेंट। चलिए ये कैसे बनाया गया, इसमें हमने कार्बन को लिया, हाइड्रोजन से पहले रिएक्शन करा के एसिटिलीन बनाई, फिर उस पर वाटर की रिएक्शन करा के एल्डिहाइड और ऑक्सीडाइज यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के एसिड में चेंज किया, यानी इन सब एलिमेंट्स को मिलाया गया, दो कार्बन चार हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन को, और ये कंपाउंड बनाया गया एसिटिक एसिड। इसे बनाया था इंटेंशनली केमिकल रिएक्शन, यानी ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लेबोरेटरी में इंटेंशनली बनाया गया कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से। यूरिया पहले बना जरूर था पर यूरिया बनाने की कोशिश नहीं की गई थी, यूरिया तो अनइंटेंशनली एक्सीडेंटली गलती से बन गया था। क्या बात समझ में आई है? तो ये शुरुआत की कहानी थी, दोनों मैंने ऐसे लिख दी है। हमारी जरूरत कहां से शुरू होती है? डेफिनेशन से। और आपकी डेफिनेशन क्या थी? क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या तो हाइड्रोकार्बन है या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स। तो आइए सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, फिर हम इनके डेरिवेटिव्स की भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हाइड्रोकार्बन्स। कहते हैं ये वो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स ये वो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं विच आर मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स ऑनली, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन। अब हाइड्रोजन तो रिफरेंस एटम है, तो जो इसका प्रिंसिपल एटम होता है वो कौन होता है? कार्बन। तो हम ये कहते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन्स ओनली, इन दो के अलावा इनमें कोई तीसरा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता। अब ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इन्हें हम क्लासीफाई करते हैं या डिवाइड करते हैं बेटा दो पार्ट, कौन कौन से? पहला जिसे हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, पहले नंबर पर, और जो दूसरे नंबर पर आते हैं उन्हें बेटा हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखिएगा यहां पे जो प्रिंसिपल एटम आपका है वो कौन है? कार्बन। तो सैचुरेशन या अनसैचुरेशन ये हम कार्बन की ही मदद से डिसाइड करेंगे। कैसे? यदि वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो आप कहेंगे इट मस्ट हैव सैचुरेटेड कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट, या ऐसे लिख देता हूं कि इट मस्ट हैव सैचुरेटेड कार्बन्स ऑनली। कैसे कार्बन्स होने चाहिए? सैचुरेटेड कार्बन्स होने चाहिए। व्हाट इज अ सैचुरेटेड कार्बन? सैचुरेटेड कार्बन का मतलब होता है इसमें सारे के सारे ऑल फोर सिग्मा बॉन्ड्स होने चाहिए। वो जो बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड्स आपने लिए हैं उसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3 होना चाहिए। बॉन्ड एंगल एज यूजुअल 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास होने चाहिए। शेप टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर ये तो आपने कार्बन के लिए बोला। अब जब हम इस कार्बन पर हाइड्रोजन को जोड़ेंगे तो हमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एक फॉर्मूला मिलेगा जिसे कहते हैं जनरल फॉर्मूला। तो इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जो जनरल फॉर्मूला होना चाहिए वो होना चाहिए CnH2n+2, और ऐसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो इस जनरल फॉर्मूले में लाई करते हैं ऐसे को हम नाम दिया करते हैं एल्केन्स। क्या कहलाते हैं बेटा? एल्केन्स कहलाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन दो तरह के हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो हैं जिनके पास सैचुरेटेड कार्बन्स होते हैं, यानी चारों के चारों सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स होने चाहिए और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन होना चाहिए sp3। क्या इतनी बात समझ में आई है? आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रोकार्बन्स ओनली, रिमेंबर। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, दूसरे नंबर पर आते हैं और बात करते हैं सर ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का क्या मतलब है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है हैविंग अनसैचुरेटेड कार्बन। सर अनसैचुरेटेड कार्बन कौन होता है? मैंने बताया था आपको अनसैचुरेटेड कार्बन का मतलब होता है ऐसा कार्बन जिसमें प्रेजेंट होने चाहिए कैसे बॉन्ड्स? पाई बॉन्ड्स, पाई बॉन्डेड। और ये पाई बॉन्ड्स किसके बीच होनी चाहिए? कार्बन एंड कार्बन्स के बीच। ऐसे कि यदि कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है या कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल में एक सिग्मा एक पाई होता है, ट्रिपल में एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड्स पाए जाते हैं। यदि
कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड है तो कंपाउंड को एल्कीन्स, और ट्रिपल बॉन्ड है तो कंपाउंड को एल्काइन्स कहते हैं। और याद रखिए ये दोनों बॉन्ड्स कलेक्टिवली कॉल्ड, इन्हें कलेक्टिवली एक नाम दिया जाता है, दीज आर कॉल्ड ओलेफिन्स या ओलेफिनिक बॉन्ड्स। कहते ये जो कंपाउंड्स होते हैं, यदि कोई एल्कीन या एल्काइन आपके हाथ के ऊपर से गुजार दी जाए, पास करा दी जाए, तो आपको ऑयली फीलिंग देती है, इसलिए इनको बोलते हैं ओलेफिनिक बॉन्ड्स। एक और रीजन होता है ओलेफिनिक बोलने का, मैं आगे सिखाऊंगा आपको। फिलहाल मैंने आपको क्या बताया फिर समझ लीजिए, हाइड्रोकार्बन दो हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो है जिसमें सैचुरेटेड कार्बन प्रेजेंट होते हैं केवल, अनसैचुरेटेड कार्बन नहीं पाए जाते। सैचुरेटेड कार्बन वो होता है जो चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड बनाए, जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। जब मैं इस पर हाइड्रोजन जोड़ता हूं तो एक जनरल फार्मूला मिलता है, ये रहा, इट इज कॉल्ड फार्मूला ऑफ सैचुरेशन या एल्केन्स का जनरल फार्मूला कहलाता है। इस फार्मूले में जो कंपाउंड्स आते हैं वो एल्केन्स कहलाते हैं। दूसरे नंबर पर आपने बात की है अनसैचुरेटेड की, आपने कहा जिसपे अनसैचुरेटेड कार्बन हो, अनसैचुरेटेड कार्बन का मतलब होता है पाई बॉन्डेड कार्बन, और ये पाई बॉन्डेड कार्बन ऐसे होते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स यदि पाया जाता है तो इसे बोला जाता है पाई बॉन्डेड कंपाउंड्स। अब जहां डबल बॉन्ड है उसे हम बोलते थे एल्कीन, जहां ट्रिपल बॉन्ड है उन्हें बोलते थे एल्काइन्स। ये दोनों आते थे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, और कार्बन कार्बन सिंगल सॉरी डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को ही ओलेफिनिक बॉन्ड्स कहा जाता है। याद रखिए अनसैचुरेशन या ओलेफिनिक बॉन्ड्स कहाँ चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन और दूसरे एलिमेंट के बीच के बॉन्ड्स को नहीं देखेंगे, हमेशा याद रखिए। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिन्हें गलती से अभी आपने एक नाम दिया है, दीज आर कॉल्ड एल्केन्स। मिलना चाहता आइए थोड़ा बायोडाटा देखते हैं एल्केन्स के बारे में, एल्केन्स क्या है कैसे है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एक पॉइंट से, क्या क्या हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। सबसे पहले नंबर पर FG, FG का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप। यदि हम कार्बन का फंक्शनल ग्रुप देखें तो कार्बन का फंक्शनल ग्रुप होता है सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, यानी सारे के सारे कार्बन के बॉन्ड्स कैसे होने चाहिए, सिंगल बॉन्ड्स होने चाहिए। इसी को थोड़ा सा पलट दे और FG को लिख देते हैं GF। GF का मतलब वो बिल्कुल नहीं है जो आप समझ रहे हैं, GF का मतलब है जनरल फॉर्मूला, और जनरल फॉर्मूला अभी मैंने आपको लिख के दिखाया था एल्केन का होता है CnH2n+2। ये जनरल फॉर्मूला है। इसी जनरल फॉर्मूले से कुछ चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले नंबर पर मैं इस जनरल फॉर्मूले से बता सकता हूं किसी एल्केन का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो, कैसे निकालते हैं जरा देखिए। मॉलिक्यूलर वेट होता है एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट्स का सम। कार्बन का एटॉमिक वेट बताइए 12, कितने कार्बन है n, तो 12 × n। हाइड्रोजन का एक होता है, कितने हाइड्रोजन है 2n+2। टोटल करिए कितना हो गया बेटा, ये हो गया 14 × 2 14n+2। ये है मॉलिक्यूलर वेट किसी भी एल्केन का। कहते इसका यूज क्या है सर, आइए जब बनाया है तो जरा एक बार हम इसका यूज भी देखने लगे हैं। क्या यूज है इसका सुनिएगा बेटा, कह रहा है क्वेश्चन में एक एल्केन है एन एल्केन हैव मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू 100। कह रहे 100 मॉलिक्यूलर वेट है, कह रहे फॉर्मूला ऑफ एल्केन विल बी क्या होगा। तो क्या करिएगा, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 14n+2 बराबर 100, तो 14n बराबर 98, सही है। तो n की वैल्यू बताइए कितनी होगी, 98/14, 14 × 7 = 98, 14 की टेबल तो आती है ना, तो n बराबर कितना आ गया 7। अब n की 7 वैल्यू यहां रख दीजिए, तो यदि यहां 7 रखोगे तो फॉर्मूला देखो क्या आएगा, C7 दुगना करिए 14+2 = 16। लीजिए ये फॉर्मूला आ गया C7H16, नाम होगा हेप्टेन।
कैसे? एल्क का क्या मतलब होता है भाई? कितने कार्बन है? सात। सात का मतलब हेप्टन, एन, तो क्या नाम हो गया? हेप्टेन। ऐसे करके इसे हम मॉलिक्यूलर वेट में इस्तेमाल करेंगे, यानी मॉलिक्यूलर वेट किसी एल्केन का दिया हो तो उसे हम एन निकालेंगे और एन हमें मिल जाएगा, तो एन की वैल्यू यहाँ रखेंगे, उसका जनरल फार्मूला आ जाएगा, उससे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला बता देंगे कंपाउंड का क्या होगा। क्या समझ में आया है बेटा? देख लीजिए कोई डाउट हो इसमें, मैं इसे हटाना चाहूँगा क्वेश्चन जो कराया मैंने, चलिए हटा देता हूँ इसे। आइए वापस आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर जो कि हम कर रहे थे। चलिए तो मॉलिक्यूलर वेट आपने सीख लिया, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसके जनरल रिप्रेजेंटेशन। यदि किसी एल्केन को आप जनरली रिप्रेजेंट करना चाहें तो दो तरीके। सबसे पहले एल्काइल ग्रुप लिख लीजिए और उस एल्काइल ग्रुप पर दूसरा एल्काइल जोड़ दीजिए, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच अपने आप आ जाएगा और आपको मिल जाएगा क्या? एल्केन। या दूसरा रास्ता यह है कि एल्काइल ग्रुप है और जोड़ने के लिए हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो मैंने बताया था जिसका कोई नहीं होता उसका हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन जोड़ दीजिए तो भी बनेगी कोई ना कोई एल्केन। जैसे फॉर एग्जांपल दोनों को समझने की कोशिश करता, मान लीजिए एक हमारे पास मैथिल ग्रुप था। अब आपकी चॉइस है, आप इस पर कोई आर जोड़ दीजिए, सपोज बने मैथिल जोड़ा तो क्या बन गई? एथेन। आप कहें सर हम मैथिल नहीं जोड़ना चाहते, तो मैं मैथिल नहीं जोड़ता, मैथिन की जगह मैं क्या जोड़ देता हूँ? हाइड्रोजन, तो क्या बन गई? मैथेन। इसका मतलब यह है मैं R पे R जोड़ू या R पे H जोड़ू, इन बोथ द कंडीशन, दोनों ही कंडीशंस में आपको क्या मिलेगी? एक एल्केन मिलेगी। और याद रखिए किसी भी एल्केन को जब आप बनाएंगे तो इसकी जो टर्मिनल्स होंगे यानी जो एंड पॉइंट होंगे टर्मिनल्स, हाँ, वो हमेशा आपको मिलेंगे CH3। यानी किसी भी एल्केन के टर्मिनल्स हमेशा क्या होते हैं? ये होते हैं जिन्हें हम मैथिल्स कहते हैं, यहीं पे खत्म होती हैं दुनिया की कोई भी एल्केन। यानी CH3 लिखा है तो इधर आप इसके कुछ नहीं लिख पाएंगे, याद रखिए। जैसे कोई भी एल्केन लिखिए, उसने कहा CH3, CH, CH3, CH3, तो जहां आपने CH3 लिख दिया देखिए वही एंड हो गया। किधर लिखा है? लेफ्ट में, तो इसके लेफ्ट में कुछ नहीं लिख सकते। किधर लिखा है? राइट में, तो इसके राइट में कुछ नहीं लिख सकते। किधर लिखा है? नीचे, तो इसके नीचे कुछ नहीं लिख सकते। ये खत्म हो गया क्योंकि कार्बन के चारों बॉन्ड कैसे हो गए? फुलफिल। अब ये नहीं कि मैं CH3 के आगे कुछ भी लिख के CH2 CH3 लिख दूं, तो ये गलत होगा। ये टर्मिनल CH3 होता है, बीच में कोई CH3 नहीं होगा। और यदि आपने लिखा तो देखिए एक बॉन्ड, दो बॉन्ड और तीन हाइड्रोजन से पांच बॉन्ड, तो हमेशा जो टर्मिनल्स होंगे एल्केन के वो क्या होंगे बेटा? CH3 होंगे, याद रखिएगा। हमेशा एल्केन्स के टर्मिनल होते हैं CH3, ऑलवेज, हमेशा CH3। आइए थोड़ा सा आगे चलते बात करते हैं इसके फर्स्ट मेंबर की। यदि आपको पहला मेंबर बनाना है तो एन की वैल्यू 1 रख के देख लीजिए, आपको मिल जाएगा पहला मेंबर। तो पहला मेंबर एल्केन्स में होता है ये CH4, जिसका नाम है मिथेन, और भी आप इसको नाम देते हैं पर फिलहाल हम मेथेन से ही काम चलाएंगे। ये कहलाता है इसका पहला मेंबर। अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि बोर्ड इतना ही बड़ा है, भर गया है, मेरे पास जगह नहीं है, मुझे और भी कुछ डाटास चाहिए। आप इतना देखिए, अब मैं आगे तो नहीं जाऊंगा, तो इनको हटा के वापस आऊंगा, देख लीजिए एक बार अच्छे से। क्या मैं वापस चलूं? चलिए वापस चलता हूं। फिर से आइए, कहां तक आ गए थे बेटा हम लोग? फर्स्ट मेंबर तक आइए। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड्स। आपकी एल्केन में किस टाइप के बॉन्ड्स हैं? तो एल्केन में दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, दूसरा कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड। आगे आते हैं, इन दो बॉन्ड्स में दो चीजें देखते हैं, एक इनकी बॉन्ड लेंथ और दूसरी इनकी बॉन्ड एनर्जीज क्या है। तो बताइए कार्बन बड़ा है कि हाइड्रोजन? कार्बन। यदि कार्बन बड़ा है तो कार्बन कार्बन बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की सबसे पहले यदि हम बॉन्ड लेंथ लिखें तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, इसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है इट इज 1.10 एंगस्ट्रॉम। ये तो इनकी बॉन्ड लेंथ होगी। अब इन्हीं की हम बॉन्ड एनर्जी चाहते हैं, तो ये बॉन्ड बड़ा है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी थोड़ी कम है 83 किलो कैलोरी, ये बॉन्ड छोटा है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी थोड़ी इससे ज्यादा है
इट इज 99 किलो कैलोरी, क्योंकि बॉन्ड जितना छोटा होता है उतना स्ट्रांग होता है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते, हमने बॉन्ड लेंथ देख ली, बॉन्ड एनर्जीज देख ली, अब वो कह रहा है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स बताइए किसी एल्केन में कैसे निकालेंगे। ये सब हम पीछे सीख के आए, एल्केन के सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिग्मा, और सिग्मा बॉन्ड्स बराबर होते हैं एटम्स माइनस वन के, यदि आपके कंपाउंड में रिंग मौजूद नहीं है तो। और यहाँ क्योंकि हम सैचुरेटेड पढ़ रहे हैं तो इसमें रिंग का फिलहाल कोई काम है भी नहीं। चलिए बात कर लेते हैं, जैसे उसने क्वेश्चन पूछा कि बताइए C10H22 डेकेन में कितने सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, तो कैसे बताएंगे भाई, एटम कितने हैं 22 और 10 32, एक कम कर दीजिए 31 सिग्मा बॉन्ड्स। कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं, कभी कभी वो एल्केन ऐसे लिख के देगा, कहेगा CH3 का होल थ्राइस सी CH CH3 सी CH3 का होल थ्राइस, कहेगा बताइए इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स, तो कुछ मत करिए ऐसे गिनिए, देखिए 1 और 3 4, 4 × 3 12, 13 14 15 16, 3 19 20, उसके बाद देखिएगा 4 12, 3 × 4 × 3 12, 20 + 12 32, यानी 32 एटम, तो 31 सिग्मा बॉन्ड्स। हमेशा याद रखिए ये और ये सेम है, गिन के देखिए इसमें भी 10 ही कार्बन है, गिनाऊं 3 4 5 6 7 और 3 10 कार्बन, सेम कंपाउंड है दोनों में, कितने बॉन्ड्स हैं 31 सिग्मा बॉन्ड्स। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स निकालने का फॉर्मूला आपको पता था कैसे निकाले जाते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए, एग्जांपल सामने है, निकल आए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, अब बात करते हैं इसी में हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर कैसे होते हैं इनके। यदि मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था sp3 - π bond, याद है ऑर्गेनिक में कार्बन का, अब π बॉन्ड तो जीरो है तो हाइब्रिडाइजेशन तो हो गया sp3, यदि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप आपको याद ही होगा कैसा होता है, टेट्राहेड्रल शेप, और टेट्राहेड्रल शेप के बॉन्ड एंगल आपको पता ही है 109 डिग्री 28 मिनट, ये इसके बॉन्ड एंगल्स होते हैं। और मैंने बताया था एक कार्बन में ऐसे कितने एंगल होते हैं 6 एंगल्स, यानी एक टेट्राहेड्रल कार्बन कितने बॉन्ड एंगल रखेगा 109 डिग्री 28 मिनट के, 6 बॉन्ड एंगल्स रखता है। क्या बात समझ में आती है बेटा, कोई डाउट तो नहीं है, देख लीजिए क्लियर। ये किसके बारे में था, थोड़ा सा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन्स के बारे में। आइए थोड़ा सा और मिलना चाहते हैं इन्हीं एल्केन्स से, तो आइए मिलते हैं थोड़ा सा और एल्केन्स। सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं इन एल्केन्स में इनकी नेमिंग ऑफ एल्केन्स कैसे की जाती है। वैसे तो बड़ा आसान है, एल्क लिखिए और आगे एन जोड़ दीजिए। एल्क किसको बताता है, मैंने आपको बताया था एल्क का मतलब ही होता है रूट वर्ड, क्या था रूट वर्ड, रूट वर्ड किसके लिए था याद है ना, नंबर ऑफ कार्बन, यानी कार्बन चेन्स के लिए, एक कार्बन मेथ, 4 कार्बन ब्यूट, 8 कार्बन ऑक्ट, 12 कार्बन याद है डू डेक, 10 कार्बन डेक याद है ना, वो लिखिए और आगे क्या जोड़ दीजिए, एन जोड़ दीजिए, तो आपको मिल जाएगा एल्केन का नाम। यदि मैं सबसे पहला मेंबर उठाऊं, द फर्स्ट मेंबर, सबसे पहला मेंबर, तो वो सबसे पहला मेंबर था CH4, ये रहा, इसका कॉमनली नाम होता है मीथेन, पर इसी मीथेन का एक नाम मार्श गैस भी होता है, मार्श गैस, मार्श का मतलब तो दलदल समझते ना, मार्शी प्लेसेस, तो इसे मार्श गैस भी कहते हैं, क्योंकि दलदल जो होते हैं, जो बुलबुले निकलते हैं वो मीथेन के ही होते हैं। कैसे निकलती है वहां से ये मेथेन, इसके लिए एक रिएक्शन आनी चाहिए एल्यूमिनियम कार्बाइड की वाटर से, हालांकि एलिमेंटाइड में मैंने आपको सिखाई थी, हम इसे आगे पढ़ेंगे जब हाइड्रोकार्बन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन सीखेंगे, फिलहाल नाम है इसका मार्श गैस। इसके अलावा आगे सिखाऊंगा कि इसे हम डैम फायर भी कहते हैं, इसके अलावा इसी का एक नाम होता है डैम फायर,
ये भी इसी का नाम है। इसी को हम सीएनजी यानी नेचुरल गैस भी कहते हैं, इसी मीथेन को हम गोबर गैस भी कहते हैं, क्योंकि नेचुरल गैस हो या गोबर गैस हो जो उसका मेन कंपोनेंट होता है वो CH4 होता है। तो ये पहला मेंबर है, मैंने आपको इसका नाम ऐसे सिंपली बता दिया है, मुझे इस मेंबर के नाम में कोई खास दिलचस्पी थी नहीं, थोड़ा सा बता दिया ऐसे। आइए और नाम देखना चाहते हैं। कहते हैं एल्केन्स के जो नाम लिखे जाते हैं उन नामों को लिखने के हमारे पास तीन कॉमन तरीके होते हैं, और सबसे पहला तरीका होता है एल्केन को हम लिखते हैं ऐसे, इट इज नॉर्मल या एन एल्केन, व्हाट द मीन ऑफ नॉर्मल या एन एल्केन, इसका क्या मतलब होता है। देखिए किसी एल्केन को नॉर्मल लिखने की पहली शर्त कि उसके पास कम से कम कार्बन होने चाहिए चार। जब एल्काइल लिख रहे थे तो यही कार्बन तीन रिक्वायर्ड थे, पर जब एल्केन लिखेंगे तो तीन नहीं चार रिक्वायर्ड होते हैं, रिमेंबर दिस। तो चार कार्बन रिक्वायर्ड हैं, ऐसे ही डिफाइन किया जाता है नॉर्मल एल्केन। कभी कभी दिमाग में क्वेश्चन आता है कहाँ चार हैं कहाँ तीन हैं, कैसे याद किया जाता है। जिस दिन आई विल स्टार्ट फिजिकल केमिस्ट्री, उम्मीद है एक लेक्चर और लूंगा उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी, उस दिन मैं आपको समझाऊंगा कि हम इन्हें कैसे तैयार करते हैं, कि नॉर्मल कहाँ लिखना है, क्यों लिखना है, कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा, प्रीफिक्सेस कैसे लिखे जाते हैं। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दूसरी शर्त यह है कि नॉर्मल एल्केन वो एल्केन होती हैं जो हमेशा होती हैं स्ट्रेट चेन, ऑलवेज, हमेशा। कैसी होगी? स्ट्रेट चेन होती हैं, हैविंग हैविंग ओनली टू टाइप ऑफ कार्बन्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कार्बन्स, इसके अलावा इन पे कोई कार्बन नहीं पाया जाता। किसी नॉर्मल एल्केन में कभी भी सेकेंडरी के अलावा टर्शरी या फोर डिग्री कार्बन्स नहीं होंगे। आइए एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे उसने एक एल्केन लिखी CH3, अब ये बताइए यदि स्ट्रेट चेन है तो एक स्ट्रेट चेन सीधी चेन के दो ही तो टर्मिनल्स होंगे, एक लेफ्ट और एक राइट, ऐसे लेंगे ना। अब इधर से देखो लेफ्ट और राइट, जैसे भी देखिए दो ही टर्मिनल्स होंगे, तो इनमें केवल दो CH3 पाए जाते हैं, एक पहला और एक आखिरी, और बीच में सारे के सारे कार्बन CH2 होते हैं, यानी ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, और यहां से यहां तक सारे के सारे सेकेंडरी। केवल दो तरह के प्राइमरी एंड सेकेंडरी कार्बन्स हैं, और प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाइड्रोजन्स हैं, इसके अलावा कोई हाइड्रोजन कार्बन प्रेजेंट नहीं है, इसे कहते हैं नॉर्मल एल्केन्स। आगे बढ़ते नॉर्मल के बाद दूसरे पे आइए, दूसरे नंबर पर आती है जिसे कहते हैं आइसो एल्केन्स। क्या कहते हैं बेटा? आइसो एल्केन्स। तो आइसो एल्केन्स क्या होती है? आइसोएल्केन्स के लिए भी कंडीशन है, पहले इसमें भी मिनिमम चार कार्बन्स होने चाहिए, चार कार्बन से कम की कोई आइसोएल्केन नहीं बनती। शर्त नंबर दो यह होती है, इट मस्ट हैव ए साइड चेन, इसमें एक साइड चेन होनी चाहिए, किसकी? ऑफ CH3, किस कार्बन पर? एट सेकेंड, या मैंने आपको बताया था सेकेंड लास्ट कार्बन विद प्राइमरी एंड टर्शरी कार्बन्स। अब कहते हैं सर क्या इसमें दो ही तरह के कार्बन होंगे, प्राइमरी और टर्शरी? नहीं बेटा, इसमें सेकेंडरी भी हो सकता है, इसमें क्वार्टरनरी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, पर प्राइमरी एंड टर्शरी कंपलसरी होंगे जरूर। जैसे फॉर एग्जांपल देखा जाए, उसने बोला कि बताइए व्हाट विल बी आइसोब्यूटेन, पहला तो लिखा जाए आइसोब्यूटेन, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, और दूसरे कार्बन पर एक CH3 की साइड चेन, और तीसरा कार्बन, चार कार्बन हो गए भाई, एक दो तीन चार, नजर आ रहा है? तो चार कार्बन में जरा देखिए, ये तो प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, और ये टर्शरी।
तो दो तरह के हैं। कहते सर आपने तो कहा था इसमें सेकेंडरी भी हो सकता है। हाँ सेकेंडरी भी हो सकता है। अभी मैं आपको सेकेंडरी वाला भी एग्जाम्पल लेके दिखा देता हूँ। क्या आपको ये समझ में आया है बेटा? आइए आई विल टेक एन एग्जाम्पल जिसमें सेकेंडरी भी मौजूद हो। चलिए एक और एग्जाम्पल बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो आपसे कह रहा है कि आईसो पेंटेन बनाइए। ठीक चलिए बना लेते हैं आईसो पेंटेन। ये रहा पहला कार्बन, ये रहा दूसरा, और दूसरे पर CH3 की साइड चेन। तीसरा कार्बन ये रहा, लीजिए चार कार्बन एक लाइन में आए और एक साइड में आया। पक्का? तो बताइए ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन टर्मिनल्स हैं। टर्मिनल हमेशा CH3 होते हैं। ये वाला कार्बन टर्शरी है, ये वाला सेकेंडरी है। देख लीजिए कुछ समझ में आया बेटा? क्लियर है मेरी बात? यानी इसमें सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शरी भी। टर्शरी और प्राइमरी तो कंपलसरी है, ये तो जरूर होंगे। इनके अलावा टर्शरी क्वार्टरनरी कार्बन में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आइसो के बाद। अगले से मिलते हैं, इसे बोलते हैं नियो एल्केन। क्या बोलते हैं बेटा? नियो एल्केन। आइए यदि आपको नियो एल्केन बनानी है तो फिर से पहली शर्त है कि आपके पास मिनिमम कार्बन 5 होने चाहिए। 5 कार्बन से कम की कोई न्यू एल्केन पॉसिबल नहीं है। और शर्त नंबर 2 यह है, इट मस्ट है, इट मस्ट है दो साइड चेन्स, टू साइड चेन्स ऑफ किसकी होनी चाहिए? मेथिल। दो साइड चेन होनी चाहिए किसकी? मेथिल की। किस कार्बन पर? एट सेकेंड कार्बन। सेकेंड कार्बन पर दो साइड चेन हो गई तो ये कहलाता है कौन सा? न्यू। आइए एग्जांपल्स लेते हैं जरा न्यू के भी। जैसे उसने बोला CH3 ये दूसरा कार्बन, इस पे दो साइड चेन लगा दे, पहली और दूसरी, और एक और लगा दो भैया ये। चेक कर कितने कार्बन है? 5, इतने ही चाहिए। सेकंड पे दो साइड चेन बिल्कुल है, टर्मिनल्स 4 है देखो, और सारे के सारे कैसे हैं? CH3 प्राइमरी। तो कहते हैं सेकंड कार्बन पर दो CH3 की साइड चेन होनी चाहिए, और जब ये दो साइड चेन होंगी तो कार्बन होगा प्राइमरी एंड क्वार्टरनरी कार्बन। कहते हैं सर क्या इसमें सेकेंडरी टर्शरी हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, पर ये कंपल्सरी होंगे, ये और ये, इनके बगैर नहीं बना सकते। बाकी आप कुछ भी लगा लीजिए। आइए और बना के देखें। जैसे उसने बोला बट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ नियो हेक्सेन या नियो हेप्टेन, कोई भी बनानी है। जैसे नियो हेक्सेन बनानी है तो देखिए कैसे बनाएंगे। ये रहा पहला कार्बन, ये रहा दूसरा, लीजिए बन गया, ये रहा पांचवा, ये रहा छठा। लीजिए कितने हो गए इस नियो में? देखिए पहला CH3, दूसरा CH3, तीसरा CH3, चौथा CH3। नजर आया? ये सारे प्राइमरी हैं, ये 4 डिग्री है, ये 2 डिग्री। 4 डिग्री और 1 डिग्री हमेशा मौजूद है। यहां भी देखिए सारे के सारे कैसे हैं? 1 डिग्री है, और ये कैसा है? 4 डिग्री। यानी यहां पर केवल प्राइमरी हाइड्रोजन हैं सारे। यहां पे कितने तरह के हाइड्रोजन है? 2 तरह के, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। यहां केवल एक टाइप की हाइड्रोजन है, केवल एक टाइप की प्राइमरी, क्योंकि क्वार्टरनरी हाइड्रोजन नाम की कोई चीज नहीं होती, इसे कहते हैं नियो एल्केन। क्लियर? आइए कंपाउंड से मिलाता हूं, बच्चे बड़े कंफ्यूज से रहते हैं इसमें। द कंपाउंड इज CH3 CH CH3 CH2। इस कंपाउंड को देखिए, ये रहा, इसमें इधर देखेंगे तो आइसो ग्रुप मिलेगा, ये वाला मिलेगा, और इधर वाला देखेंगे तो आपको नियो ग्रुप मिलेगा। कार्बन गिनेंगे तो 8 मिलेंगे, पर इसको हम नियो ऑक्टेन ना कह के क्या बोलते हैं? आइसो ऑक्टेन। इट इज नेवर सेड टू बी नियो ऑक्टेन। सर ऐसा क्यों? एक्चुअली नेमिंग का नियम यही होता था कि जब आपके सामने दो लेटर हों तो
तो हमेशा याद रखिए एक आईसो है, एक नियो है, तो जो अल्फाबेट पहले आएगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर को इस्तेमाल करते हैं इसका नाम लिखते समय। तो अल्फाबेट्स में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई पहले आता है, एन बाद में आता है, इसीलिए इसका नाम हो जाता है आईसो ऑक्टेन। इस आईसो में देखिए प्राइमरी भी है, टर्शरी भी है, सेकेंडरी भी है, क्वार्टरनरी भी है, हर तरह का कार्बन है आईसो ऑक्टेन। तो ऐसे लिखे जाते हैं कॉमन नेम ऑफ एल्केन्स। चलिए ये तो बात थी बेटा एल्केन्स की नेमिंग, नेमिंग के बाद आइए हम मिलना चाहते हैं इन एल्केन्स जिन्हें कहते हैं रिप्रेजेंटेशंस, रिप्रेजेंटेशन और स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज ऑफ एल्केन्स। मिलते हैं सबसे पहले नंबर पर, एक एक करके मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहले नंबर पर जिसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या होता है? तो कहता है कि पुट द वैल्यू ऑफ एन इन जनरल फॉर्मूला टू गेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है बताइए जरा, CnH2n+, यही है। आप यहां n=5 रखिए भाई, क्या मिलेगा जरा बताइए, C5, ठीक है। H2n 2×5 10+2 12, तो n बराबर 5 रखने पर ये पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाता है। किसका? पेंटेन का। चाहे वो पेंटेन कोई भी हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा ये रहेगा, चाहे वो नॉर्मल पेंटेन हो, आइसो पेंटेन हो, नियो पेंटेन हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी C5H12। क्लियर है मेरी बात? इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दूसरे नंबर पर चलिए, यह है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दूसरे नंबर पर बात करते हैं जिसे कहते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या कहते हैं बेटा इसे? कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसमें हम क्या कहते हैं, ओनली कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड्स आर शो, केवल कार्बन कार्बन के बॉन्ड शो किए जाते हैं विद ऑल एटम्स, सभी एटम्स के साथ और कुछ रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि मुझे इसी पेंटेन को नॉर्मल पेंटेन लिखना है तो देखिएगा मैंने कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को शो नहीं किया। जो ये बॉन्ड बनाया है ये किसके बीच बनाया है? कार्बन और कार्बन के। तो जो बॉन्ड यानी ये लाइंस में खींच रहा हूं, यदि आप ध्यान से देखें तो ये लाइंस मैंने किसके बीच खींची है? केवल कार्बन और कार्बन के बीच। कार्बन और हाइड्रोजन बनाए हैं मैंने एटम्स, पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड्स को मैंने बिल्कुल भी शो नहीं किया। तो इसे कहते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो ये क्या है बेटा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये क्या है? कंडेंस्ड फार्मूला नॉर्मल पेंटेन का। समझ में आया? इसी में एक आता है एक्सपेंडेड फॉर्मूला। एक्सपेंडेड फॉर्मूला क्या है? व्हेन ऑल द बॉन्ड्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड अदर एटम्स आर शोन, जब सारे के सारे बॉन्ड शो किए जाएं तो उसे बोलते हैं ओपन फॉर्मूला या एक्सपेंडेड फॉर्मूला। तो तीसरे नंबर पर आते हैं, किसकी बात करते हैं? एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जब वो एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की बात करता है तो आप कहते हैं ऑल द बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स आर शोन, सारे बॉन्ड्स आपको शोन करें। यानी कार्बन में यदि चार बॉन्ड्स होते हैं, चारों के चारों बॉन्ड्स नजर आने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से इसी को लिखता हूं जिसे आपने नॉर्मल पेंटेन बोला। देखिए
स्ट्रेट चेन कार्बन और सारे बॉन्ड्स सब कार्बन के चेक करिए चार चार नजर आ रहे हैं और हर बॉन्ड पर ये मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, नजर आ रही है बेटा। लीजिए ये फार्मूला क्या कहलाता है, इट इज एक्सपेंडेड फार्मूला, ये एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो सारे बॉन्ड जब शो किए जाते हैं तो इसे बोलते हैं एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला। हमें केमिस्ट्री में इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़नी है, ये क्योंकि आपकी बुक्स में एनसीईआरटी में दिया है इसलिए मैंने आपको बना के दिखा दिया है। चलिए सबसे लास्ट में आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये जिसे बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशंस या बॉन्ड लाइन फार्मूला BLF। व्हाट इज द बॉन्ड लाइन फार्मूला? तो कहते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूले में क्या करते हैं, ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर शोन बाई ज़िग लाइंस विदाउट शोइंग द एटम्स। अब कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को ज़िगज़ैग लाइन से दिखाते हैं, एटम्स को बिल्कुल भी शो नहीं करते। कैसे और क्या मतलब है इसका, आइए इसे सीखने की कोशिश करते हैं जरा। जस्ट लुक हियर, कैसे दिखाते हैं? जैसे सपोज करिए कि आपको फॉर्मूला एन पेंटेन का दिखाना है, तो पांच बॉन्ड हैं, सॉरी पांच कार्बन हैं, और ये पांच कार्बन हैं तो उनके बीच बॉन्ड कितने बनेंगे, चार, केवल कार्बन कार्बन भाई, पांच कार्बन में चार बॉन्ड और ज़िगज़ैग बनेंगे। ये पहला बॉन्ड बन गया, हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा बॉन्ड हो गया, ये चौथा बॉन्ड हो गया। हमेशा जहां से बॉन्ड स्टार्ट हो और जहां खत्म हो वो पॉइंट कार्बन होते हैं। यहां से स्टार्ट ये खत्म ये कार्बन, यहां से स्टार्ट ये खत्म ये कार्बन ये कार्बन, कितने कार्बन से पांच, यानी ये पहला बॉन्ड है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। कहते सर जरूरी है ऐसे नहीं, जरूरी नहीं, आप ऐसे बनाइए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ज़िगज़ैग बनाना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, कैसे भी बनाइए, हाँ पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ऐसे नहीं बनाना है, ये गलत है, ये हमेशा याद रखिए। कैसा बनाना है, ज़िगज़ैग बनाना है, स्ट्रेट नहीं बनाना, इन्हें कहते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशंस। तो समझ में आया, जैसे वो कहता है कि बताइए बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या होगा, आइसो ब्यूटेन का बनाया जाए। तो देखिए आप कैसे बनाते थे, कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड बनाने हैं, क्या आइसो ब्यूटेन ये है, इसी को तो हम आइसो ब्यूटेन कहते हैं। तो देखिए एक बॉन्ड तो ये रहा दो कार्बन्स के बीच पहना, ठीक, और एक बॉन्ड कहाँ जाएगा, नीचे, हो गया ज़िगज़ैग। और एक बॉन्ड अब मैं कैसे भी बना दूं, क्या ऐसे बना दूं, कहते सर क्या इस बॉन्ड को हम सीधा कर सकते हैं, यदि मैं इस बॉन्ड को सीधा कर दूं तो कुछ लोगों को लगता है कि आपने स्ट्रेट बना दिया, जैसे यदि मैं यहीं से इसे ऐसे बना दूं तो भी ठीक है, कहते अब तो सर आपने स्ट्रेट बनाया ज़िगज़ैग का, नहीं बेटा ज़िगज़ैग है ये, और देखो ये और ये दोनों ज़िगज़ैग, ये दोनों ज़िगज़ैग, और इनके बीच में क्योंकि एक ज़िगज़ैग बॉन्ड आ चुका है इसलिए आप बिल्कुल ऐसे बना सकते हैं, फिर भी आपको पसंद नहीं है तो आप ऐसे ज़िगज़ैग बना सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा बेटा, आइसो ब्यूटेन का बॉन्ड लाइन नोटेशन। ये सबसे ज्यादा काम आते हैं क्योंकि जब हम बेंजीन वगैरह के स्ट्रक्चर आप ऐसे करके बनाते हैं तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन ही तो कहलाते हैं। तो ये हैं एल्केन्स के बॉन्ड लाइन नोटेशन, ये थे आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड के बाद हमें पढ़ना है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। चलिए आज मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा, आज मैं यहीं तक रखूंगा, अगली क्लास में मैं अनसैचुरेटेड तो पढ़ूंगा ही, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस शीट अगली जो भी नंबर है मुझे याद तो नहीं है, जो भी प्रैक्टिस शीट है वो कराऊंगा, एक प्रैक्टिस शीट मैं आपको करने के लिए दूंगा, एक मैं कराऊंगा, आज केवल यहीं तक रखूंगा। अगली क्लास में हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे, एसिड्स पढ़ेंगे और बचे हुए कंपाउंड्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, आज केवल यहाँ तक। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर आप केवल एक ही क्लास पर डे ले रहे हैं, वो भी 40-50 मिनट। बेटा एक्चुअली जब तक ऐप नहीं बन रहा तब तक एक ही क्लास ले रहे हो, जिस दिन ऐप बन जाएगा उस दिन आपकी दो क्लासेस पर डे होंगे, रिमेंबर टू क्लासेस इन अ डे।
फिजिकल और ऑर्गेनिक या फिजिकल और इनऑर्गेनिक जो भी मैं पढ़ाऊंगा। बच्चे कह रहे हैं कि पहले फिजिकल करा दीजिए, तो मैं मूल कॉन्सेप्ट करा दूंगा, इसके बाद केमिकल अर्थमेटिक्स विद मूल कॉन्सेप्ट शुरू कर दूंगा। तो मैं दो दो एक साथ पढ़ाऊंगा, एक तरफ मूल कॉन्सेप्ट पढ़ाता रहूंगा, दूसरी तरफ IUPAC नेमिंग स्टार्ट कर दूंगा, या एक तरफ मूल कॉन्सेप्ट कराता रहूंगा, दूसरी तरफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ा दूंगा, कुछ भी कराऊंगा, पर दो पढ़ाऊंगा, एक फिजिकल एक ऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक एक फिजिकल, या एक ऑर्गेनिक एक इनऑर्गेनिक का लेक्चर। और जब एक लेक्चर खत्म हो जाया करेगा, मान लीजिए फिजिकल खत्म पहले हो गया लेक्चर, तो मैं उसकी जगह इनऑर्गेनिक शुरू कर दिया करूंगा, फिर ऑर्गेनिक खत्म हो तो मैं फिजिकल शुरू कर दूंगा। यानी एक दिन में आपकी दो क्लासेस जरूर चला करेंगी, फिजिकल की ऑर्गेनिक की, या फिजिकल की इनऑर्गेनिक की, या ऑर्गेनिक की और इनऑर्गेनिक, कोई भी दो क्लास। हालांकि मैं सेट ऐसे करूंगा कि फिजिकल 6 डेज करूँ, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ऑप्शनल लेके चलूँ, बाकी जैसे भी होगा आई विल डू। आज केवल यहाँ तक, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।